वैक्सीन के सबसे पहले हकदार है, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए गर्व की बात है कि उसने टीके के माध्यम से महामारी से निपटने में योगदान दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कोविड निर्देशों का पालन करें और महामारी को हराएं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की आज पहली वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 16 जनवरी को महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया था। टीकाकरण अभियान सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जाने लगे। इस वर्ष 3 जनवरी से 15 से 18 है। श्री मांडविया ने ट्वीट संदेश में कहा कि सभी लोगों के प्रयास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ ये अभियान आज विश्व का सबसे सफल टीकाकरण अभियान बन गया है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों तथा वैज्ञानिकों के साथ साथ देशवासियों का आभार व्यक्त किया है। कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अब तक 156 करोड़ 76 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 66 लाख 21